से सीनियर रिपोर्टर ग्रेट न्यूज़ नादिर हुसैन कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी सिविल सेक्रेटरिएट के सामने पाकिस्तान हेल्थ स्पॉट स्टाफ एसोसिएशन और इनके अलावा भी पंजाब की कई एसोसिएशन के मेंबरान अपने हकूक की बहाली के लिए सरापा एहतजाज। पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के सदर राना परवेज ने कहा कि हम निगरान हुकूमत की तरफ से LPR तरमीमी लेटर को नहीं मानते, हम सरकारी मुलाजमीन के हकूक को पामाल नहीं होने देंगे। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हेल्थ स्पोर्ट स्टाफ एसोसिएशन पंजाब मियाँ गुलाम अहियुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी किसी कानून के तहत सरकारी मुलाजमीन के हकूक को हल नहीं कर सकता, ये तो खुद गैर कानूनी तौर पर मुसल्लित है। निगरान हुकूमत सिर्फ 90 रोज के लिए होती है, ये तो खुद गैर आइनी तौर पर हम पर मुसल्लित है, ये किस तरह हमारे हकूक हमसे छीन सकते हैं। सर गंगाराम अस्पताल लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नवीद जहूर ने कहा कि हम किसी सूरत भी अपने हकूक पामाल नहीं होने देंगे। यंग नर्सिंग एसोसिएशन जनरल अस्पताल लाहौर मैडम खालिदा तबस्सम ने कहा कि वजीर खजाना इसहाक डार बजट के दौरान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 35% बढ़ाने का ऐलान किया और अब ये 5-7% बढ़ाने की बातें कर रहे हैं।